प्रदेश की पहली कोरोना पीड़ित अनिता विनोद अभी क्वारंटाइन में है, जो 13 अप्रैल को पूरा होगा। लेकिन 22 मार्च को जब अनिता को कोरोना पॉजिटिव आया था, कैसे उन्होंने हौसला बनाए रखा और बीमारी पर जीत दर्ज की, ये सब हम आपको इस स्पेशल स्टोरी में बताएंगे। ये उनके लिए प्रेरणा का काम करेगी जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि बीमारी में हिम्मत नहीं हारना है बल्कि इसे बनाए रखने की जरूरत है। कोरोना पर बिहार की पहली जीत, कोरोना विनर से सुनिए विजय की कहानी। कोरोना को कैसे हरा सकते हैं जानिए उस महिला की जुबानी जो ठीक होकर घर लौटी। पॉजिटिव माइंडसेट से किलर वायरस को मात। 45 साल की अनिता विनोद अपने परिवार के साथ पटना के दीघा इलाके के एक अपार्टमेंट में रहती हैं। वो 2 मार्च को पटना से पति के साथ नेपाल गई थी, जहां से 8 मार्च को वापस आई। तब कोरोना वायरस को लेकर चर्चा तो थी, लेकिन देश में ज्यादा संक्रमण का दौर नहीं शुरू हुआ था। लेकिन चीन के बाद इटली में कोरोना से तबाही शुरू हो गई थी। इसी बीच अनिता का बड़ा बेटा जो इटली में रहता है, वो 5 मार्च को वापस पटना आया, जिसकी रोम और दिल्ली एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग भी हुई, लेकिन दोनों ही जगह उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। मैं और मेरा पति दोनों 2 मार्च से 8 मार्च तक नेपाल गए थे। वापस आए तो कुछ परेशानी नहीं था। फिर 16 मार्च से हल्का सा खांसी और हल्का सा बुखार भी लगने लगा, और 2 दिन के बाद ज्यादा थकान लगने लगा। तब हमने एम्स पटना में जाकर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। अनीता बताती हैं कि जब उनका बेटा पटना आया तो यहाँ RMRI में उसका टेस्ट हुआ, जिसमें वो कोरोना नेगेटिव निकला। साथ ही वो 14 दिन आइसोलेशन में भी रहा। लेकिन इस बीच 16 को अनीता के पति विनोद वेंकट रमन छोटे बेटे के साथ मोतिहारी गए थे। उसी दिन उन्हें हल्का जुकाम और बुखार हो गया, जिसके बाद 18 मार्च को खांसी आने लगी और बुखार भी तेज हो गया। इसके बाद बड़े बेटे के साथ अनीता एम्स पहुंची, जहां दोनों की स्क्रीनिंग हुई, जिसके बाद अनीता को भर्ती कर लिया गया। डॉक्टर्स जब मुझे डिस्चार्ज किया गया तो मुझे 14 दिन क्वारंटाइन में रहने के लिए बोला गया था। तो आज से हम क्वारंटाइन में हूँ। मेरा पति और दोनों बेटे वो भी मुझसे अलग रहते हैं। अनीता कहती है कि जब हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मैं घबराई नहीं, बल्कि मुझे लगता था कि हम ठीक हो जाएंगे। इसके बाद हमें डॉक्टर जो कहते थे वैसे ही दवाई खानी शुरू की और खुद को पॉजिटिव रखा। 25 मार्च को दोबारा जांच हुई, जिसमें हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस तारीख को मेरा एम्स पटना में जांच हुआ था और रिजल्ट 22 को आया कि मैं पॉजिटिव हूँ। और पॉजिटिव होने के बाद तुरंत उन्होंने मुझे आइसोलेशन वार्ड में रखा था। 11 दिन के बाद मैं 2 नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद उधर से डिस्चार्ज हुई हूँ। अनीता की 30 मार्च को जब दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डिस्चार्ज करते समय डॉक्टरों ने अनीता को 14 दिन क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी। WHO की सूचना के अनुसार दवाई दी गई थी और मेरे विनती के मुताबिक भोजन का क्वालिटी सब एम्स का बहुत बढ़िया था और उनका इलाज भी मुझे अच्छा लगा। पॉजिटिव माइंडसेट से रहने वाली अनीता ने कोरोना को मात दी और अब अपने परिवार के साथ होम क्वारंटाइन है। उनकी बातों से साफ है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं तो आपको ये वायरस मात नहीं दे पाएगा, बल्कि आप उसको मात दे देंगे, जिसकी मिसाल खुद अनीता है। पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।